बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैर ऑफियस ही होंगे। आज की लेटेस्ट ये वीडियो रेलवे मुलाज़मीन के हवाले से कि रेलवे मुलाज़मीन को तनख्वाहें ना मिली और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए। तो ये जंग न्यूज़ है, 17 जून 2023 की न्यूज़ है। रेलवे मुलाज़मीन की तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर रेलवे मुलाज़मीन ने तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। लाहौर डिवीज़न के मुलाज़मीन ने रेलवे प्रीम यूनियन के ज़ेर एहतमाम डीजल शेड में एहतजाज किया और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि रेलवे मुलाज़मीन ताहाल गुज़िश्ता माह की तनख्वाह ना मिलने से परेशानी का शिकार हैं। ईद उल अज़हा में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। सदर प्रीम यूनियन लाहौर डिवीज़न फयाज अहमद शहजाद, सेक्रेटरी खिजर हयात बेग, सीनियर नायब सदर मोहम्मद जमील मलिक और आर्गनाइज़र हाजी अजीज़ मदनी ने वज़ीर रेलवे साद रफीक और CEO रेलवे अरशद सलाम खटक से अपील की है कि वह मुलाज़मीन को मई की तनख्वाह दिलवाएँ। याद रहे कि ये एडवांस नहीं बल्कि मुकर्रर तारीखों पर मिलने वाली तनख्वाहें थीं जो अब तक नहीं मिल सकी हैं। ये थी लेटेस्ट वीडियो रेलवे मुलाज़मीन के तनख्वाहों के हवाले से। उनका एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया ताकि उनकी तनख्वाह जारी की जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।